ये अंडा मैंने बैतूल में पेट्रोल पम्प के पास जो अंडा सेंटर है वहाँ से लिया था। इसके साथ मैंने काफ़ी अंडे 30 अंडे लिए थे। उसमें से काफ़ी अंडे तो पहले हम लोग खा चुके थे बॉईल करके या ऑमलेट बना के। आखिरी में 5 अंडे बचे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उनको बॉईल करने लगा। उसमें से एक अंडा पानी में तैरने लगा और उसमें एक जगह क्रैक हो गए, अंडे का मटेरियल बाहर निकलने लगा। तो मैंने अंडे को निकाल के माइक्रोवेव में रख दिया 2 मिनट के लिए। और जब उसके बाद निकाल कर देखा खाने के लिए उसको देखा, तो उसमें जो अंडे का योक होता है उसके ऊपर एक मोटी सी प्लास्टिक की झिल्ली दिखी, जबकि नॉर्मल अंडे में ऐसा नहीं होता है। इसको देख के समझ गया कि यह अंडा नकली है। और जो बाकी जो उसका वाइट मटेरियल होता है अंडे में, वो भी काफ़ी चिकटापन लिए हुए प्लास्टिक जैसा नज़र आया, तो इसको फिर हमने खाया नहीं। इसका छिलका भी काफ़ी हल्का है, खोल जो होता है अंडे का। अगर ये मान लो अगर इसको अज्ञान आदमी खा लेता तो क्या दुष्प्रभाव होते? इसको खाने के पश्चात काफ़ी स्वास्थ्य पर नुकसानदेह होता है, क्योंकि पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है ये। प्लास्टिक के यदि पेट में जाएगा तो पचेगा नहीं, हो सकता है कहीं डिपॉजिट हो जाए और आंतों को ब्लॉक कर दे। मतलब आदमी को जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, जानलेवा हो सकता है। कुछ समय तक यदि आदमी लगातार अंडे खाता रहे और प्लास्टिक पेट में जाएगा तो पचेगा नहीं, निश्चित रूप से नहीं पचेगा प्लास्टिक आदमी को, तो ये कहीं ना कहीं आके हाथों में जमा होगा। यदि नहीं निकला, मल के द्वारा बाहर नहीं निकला, तो कहीं हाथों में जमा हो सकता है। सर अपन तो फार्म से लाते हैं उठा के, और हैदराबाद से आता है अंडा। अभी ये कहाँ से क्या आ रहा है क्या? 30 अंडे में एक अंडा निकला था, उसको कुछ बता भी नहीं सकते ना। नहीं, चाइना का माल तो अपने आता नहीं है।